आज हम लोग करने वाले हैं बैटिंग ट्रिक्स, और जो कि ऐसी बैटिंग ट्रिक्स जो कि आप लोगों को इस वाले वर्जन के अंदर बिल्कुल 100% वर्क मिलेंगी। तो चैनल पर नए आए तो भी सब्सक्राइब कर लेना, एंड विदाउट मोर वेस्टिंग और टाइम चलो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कोई भी यहाँ पर टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं वेस्ट इंडीज सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि वैसे भी ओडीआई होने वाले हैं। मैं 10-10 ओवर सेलेक्ट करके इजी या मीडियम हार्ड आपके ऊपर जो डिपेंड करता है, मैं इजी के ऊपर बैटिंग टिप्स बताऊंगा। आप लोग चाहो तो एक्सपर्ट या फिर हार्ड के ऊपर भी मुझसे टिप्स ले सकते हो, मतलब मेरा ऑलरेडी चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी है। तो चलो चलते हैं पहले। आपका जिसका बैटिंग स्किल ज़्यादा होगा आप लोगों को उन्हीं बैट्समैन को उतारना है। जैसे कि यहाँ पर मैं जी कौन कुलदीप यादव वजह से बुमराह को नहीं उतार सकता ना। अब कहो भाई क्यों भाई, क्योंकि ये बैटिंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा बल्लेबाज खेलता है। अगर आप लोगों को स्किल बढ़ाना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं एक वीडियो ऑलरेडी ले। अब देखो फिर से शॉर्ट बॉल आ रही है, तो शॉर्ट बॉल को हमने क्या बताया था, हमको लेग पर इस तरीके से मार देना है। अब देखो भाई कैच भी होने के चांसेस होंगे, सिंगल डबल भी तो हम लोग निकाल सकते हो। बैटिंग टिप्स में गाइस बैटिंग के रिलेटेड ही बातें आएंगी ना, अब तुम लोग क्या सोच रहे हो। ठीक है अब देखो पीछे की तरफ फील्डर नहीं है तो मैं पीछे की तरफ घुटना टेका और मार दिया, तो हमें चौका यहाँ से आसानी से मिल गया। तो अभी देखते हैं कि फील्ड सेट में अब क्या होती है, क्योंकि इस ओवर में तो अच्छी खासी रन रेट हमारी आ चुकी है, 10 रन हो चुके हैं। यहाँ पर देखो फिर से, अब देखो थोड़ी यॉर्कर टाइप आ रही है, तो विकेट्स को थोड़ा घेर के मत खेलना, ऐसी गलती मत करना। ये गलती सभी लोग करते हैं कि वो विकेट को घेर लेते हैं। फिर से देखो क्या करा है, यहाँ पर देखो यहाँ पर वो लोग विकेट को घेर कर खेलते हैं और बहुत लेट यहाँ पर चेते हैं। तो ये चीज़ अगर तुम्हारे साथ भी होता, देखो ये मतलब तुमने बल्ला तो चलाया पर विकेट तुम्हारा मिडिल स्टंप ले गई, लेग स्टंप ले गई, तो इसके लिए तुम लोग को पता है तुमको प्रैक्टिस मोड में जाना है, प्रैक्टिस में, एंड वहाँ पर प्रैक्टिस करने कम से कम आधा घंटा अपनी प्रैक्टिस करो। अब जितनी तुम ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम लोग इतने गेम प्ले को स्ट्रॉन्ग करोगे और उतना ज़्यादा तुम लोग अच्छा खेलोगे। ठीक है क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो तुमको सुना ही होगा, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट, ये भी तुम लोग सुन लो आज मेरे मुँह से। तो यहाँ पर हमेशा एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी तुम लोग ऐसी प्रैक्टिस में जाओ, ऐसे फील्ड सेटमेंट देखो, तो तुम लोग को तुरंत ही शॉट नहीं मारने। जैसे कि देखो अब मैं जो बल्लेबाज हूँ 5 बॉल खेल चुका है, तो उसके बाद मैंने सिर्फ एक घुटना टिका लेग साइड पे चक्का मार दिया। काफ़ी सारे लोग के मन में क्या डाउट रहता है कि भाई जिधर फील्डर होते हैं उधर की साइड शॉट नहीं मारने का, ठीक है, बट भाई ये एक ग्लिच समझ लो या मत समझ लो, जिधर फील्डर होगा उधर मारोगे तो ज़्यादा चांसेस सिक्सेस के होते हैं। ठीक है क्योंकि हमेशा कैच नहीं होता, बट यहाँ पर कैच होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए बताता हूँ हमेशा मत इस चीज़ को ट्राई करना है। देखो मैंने 2 बार ट्राई किया, मुझे 10 रन मिल गए, बट तुम लोग हमेशा ये नहीं है कि फील्डर लगे हैं तुम लोग वहीं करने जा रहे हो, ग्लिच का फ़ायदा उठाओगे तो कैच भी तुम्हारे हो जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ऐसी बॉल आ रही लैग बिल्कुल, एक खाली पड़ा है पॉइंट में वहीं पर घुमाऊंगा और आसानी से चौका तो मिल ही जाएगा, मुझे पता है हाँ मिल गया। ठीक है अब ध्यान से देखना, अब ये जो फील्ड होगी ना ये पूरी चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पर रन जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है अभी देखो वाटर मांग रहे हैं ये, तो पानी इनको पिला देते हैं, भाई पानी पी लो आराम से पी लो, कोई बात नहीं है। देखो भाई ने चेंज नहीं करी, बट देखो मैं थोड़ा विकेट छोड़ूंगा एंड ऑफ साइड की तरफ, बस मुझे यही करना था बट अभी मैं लेट हो गया। ठीक है क्योंकि मैंने भी प्रैक्टिस बहुत दिन से नहीं करी है, बट सिंपली हम लोग ये तो बॉल हमारी लेग की साइड है तो भाई लेग पे घुमाएंगे एंड बहुत लंबा छक्का हम लोग पाएंगे। मैंने देखो बताया ना, जब भी बॉल तुम्हारी ऑफ स्टंप पर पिच कर रही हो तो बस सिंपली लेग पे जाना है, अपने तीनों स्टंप खोल के, ठीक है तीनों स्टंप बाहर खड़े होना है, फिर लेग पे जाना है। ठीक है बहुत कड़ा छक्का मिलेगा। अब देखो ये वाला शॉट ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि जहाँ मैंने आपको सिखाया था ना 6 बॉल पे 6 छक्के कैसे मारने, वो वाला वीडियो लोगों ने नहीं देखा भाई देख लो जाकर, 6 बॉल 6 सिक्सेस वाला वीडियो मैंने दिखाया था, वहाँ मैंने पता क्या दिखाया तुम लोगों को, वहाँ मैंने 6 पे 6 छक्के मार के तुमको दिखाए थे और काफ़ी सारे लोगों ने देखे भी थे। अब देखो फिर से यही आ गया क्योंकि इससे बहुत सारे विकेट लिए थे। तो जब ऐसा कोई बॉलर आ जाए जिसने विकेट ले रखे हैं तो उसको तुम लोगों को सही से खेलना है, मीन्स ऑफ उसको तुम लोग देख कर खेलो, मतलब छक्के चौके थे इस पर मारो ही मत, है ना। अब जैसे कि देखो फील्डर नहीं है उधर की साइड, तो मैं उधर के साथ एक शॉट तो मारूंगा ही मारूंगा। ठीक है क्योंकि इसने विकेट भी मेरे 4 लिए थे। अब देखो फिर से एक 6 मिल गया मुझे। यहाँ देखो क्या करा मैंने, पहली बॉल से शुरुआत नहीं करी क्योंकि बॉलर का जो स्ट्राइक रेट है वो हमसे ज़्यादा है क्योंकि वो 4 विकेट ले चुका है। एंड यहाँ पर मैंने क्या करा, सिंपली वही फार्मूला अपनाया, भले ये लेफ्टी है बट हमने वही फार्मूला अपनाया, घुटना टेका, अगर फील्डर नहीं है तो वहाँ पर आराम से मारा। अपने देखो तीनों विकेट जहाँ पर खड़े हो वहीं खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो बॉलर खुद अपनी बॉल को स्विंग करवा रहा है ना, तुमको क्या ज़रूरत है उसके पास जाने की। ठीक है अभी देखो हमारे रन देखो कितनी जल्दी, पहले ओवर में जबकि हमारे रन बिल्कुल भी नहीं आए थे, उसके बाद भी पहले ओवर में 1 रन आया था ना, उसके बाद हमारे रन। अब देखो इस बॉल पे विकेट के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि हमको यहाँ मारना होता है, मैंने तुम लोगों से कहा ना विकेट के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ऐसा जब फील्ड होता है तो भाई वहाँ पर शॉट मारने थोड़ा मुश्किल होते हैं, हर बार शॉट तो नहीं मारने होते ना, मैंने गलती कर दी तुम्हारे सामने गलती हुई, ऐसे तुम भी मत करो। ठीक है अभी जैसे कि तुमको फिर से दिखाते हैं, देखो यहाँ पर राइटी बैट्समैन है एंड इसके पीछे की तरफ आराम से एरिया खाली पड़ा है, बट मैं क्या करूँगा तीनों विकेट घेर के मारूंगा। ठीक है जिससे अगर हमारे बॉल हुई तो हम बल्ला आराम से लगा सकते हैं, एंड टाइम पे तो आराम से कट हो ही सकता है।
ठीक है, अपने बॉल पर छह छक्के वाला तो भाई आराम से ट्राई कर लो, क्योंकि उस वीडियो के बाद तो भाई काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम तो मार लेते हैं। ये वाला शॉट भी देखो गजब है ना, यहाँ पर क्या किया मैंने, अब ध्यान से सुनो, देखो ये यहाँ पिच करी एंड यहाँ पर सिंपली बस लेग साइड थोड़ा पीछे की तरफ हटा दिया, मिल गया सिक्स। अब की बार लेग पूरी खाली पड़ी है तो वही विकेट छोड़ा, शॉट घुमाया, चौका मिल गया। तो ये कुछ बैटिंग टिप्स है इनका, तुम्हें अपने बैटिंग्स में डालनी होगा, तुम्हारा भी विकेट कम गिरेगा बट रन तुम लोग ज़्यादा कर सकते हो। मेरे ज़्यादा ही विकेट गिर के शुरुआत में क्योंकि मैं था नहीं, तो अब तुम्हारे पर डिपेंड करता है, तुम लोग को जोड़ना ही ट्राई करो एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, फास्ट बॉलर अगर यहाँ पर टिप करे तो तुम लोग को यहाँ शॉट घुमा देना है, ये सबसे सेफ एरिया होता है तुम्हारे चौके छक्के जाने के लिए, यहाँ फील्डर बहुत कम लगा होता है, तो यहाँ पर तुम लोग शॉट आराम से निकाल सकते हो। और हाँ, ऐसे ही बैटिंग टिप्स और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम लोग रोज़ लेके आते रहते हैं। और जब भी तुम लोग बड़ा स्कोर देख रहे हो ना, कभी कभी 200-300, तो भाई ध्यान रखना कि तुम्हारे विकेट्स भी गिरेंगे। अगर तुमने मेरा 6 बॉल पर 6 छक्के वाला वीडियोस नहीं देखा तो जाकर देख लो, मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, इतना कुछ सीख जाओ तो फिर थैंक यू तो बोल ही देना कमेंट बॉक्स में यार, तुम तो ऐसे यार। अब देखो ऐसी बॉलों पर पीछे की तरफ शॉट घुमाने में बहुत रिस्क है, देखो रिस्क था ना, बल विकेट में बिल्कुल जा रही थी, पर मैंने क्या करा, रिस्क लेना पड़ेगा भाई, विकेट तो गिर ही चुके हैं। तो ऐसी वीडियोस को रोज देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, हम लोग रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आते हैं, जी हाँ डेली कंटेंट क्रिएटर। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, बाकी आप लोगों को